शांते अदियैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम पंचमोध्यायः गरुण उवाच येन येन च पापेन यद्यचिह्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। श्री भगवान उवाच यैः पापैर्यान्ति याम योनि पापिनो नरका गताः येन पापेन यच्चिह्नो जायते मम तच्छृणो। ब्रह्मा क्षयरोगी स्यात् दोग्नः स्यात् कुब्जको जड़ः। गरुण जी ने कहा कि महाराज जो पापी जीव हैं जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं तो किस योनि मतलब कौन सा शरीर प्राप्त करते हैं किस योनि में जाते हैं आप हमको वो बताइए। तो भगवान कहते हैं यही ही पापेर यान्ति याम योनि पापिनो नरकागत। नरक से आने के बाद और फिर प्राणी किस योनि में जाते हैं जिस पाप का जैसा चिन्ह होता है जैसा लक्षण होता है वो ध्यान से श्रवण करिएगा। तो भगवान बताते हैं ब्रह्म क्षय रोगी स्यात् दोग्न स्यात् कुब्जको जड़ः। कहते जो ब्रह्म हत्या करने वाला है ना वो ब्रह्म हत्या करने वाला कहते हैं वो क्या बनता है क्षय रोगी होता है। जन्म लेने के बाद वो क्षय रोगी कुट्टी भी होता है बचपन से ही ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में बताया है ब्रह्मा क्षय योगी स्यात् दोग्नः स्यात् कुब्जको जड़ः। गौ हत्या करने वाला कुबड़ा होता है बचपन से कहते हैं उसके वो कुबड़ निकल जाती है। और कन्या घाती भवेत कुष्ठी जो कन्या घात करता है जो कन्या की हत्या करने वाला पापी है वो कोढ़ी बनता है। ये लक्षण उन चांडाल योनियों में जानना चाहिए। और स्त्री घाती गर्भघाती च पुलिंदो रोगवान भवे। स्त्री का घात करने वाला या गर्भघात करने वाला वो भिल्ल नामक रोग से पीड़ित होता है। अगम्या गमना शंडो दुश्चर्या गुरुतल गमः। कहते अयोग्य गमन शास्त्र के अनुसार जीवन न जीने से वो व्यक्ति नपुंसक होता है। गुरु पत्नी के प्रति जो दुर्विचार मन में रखे उसका शरीर बहुत खराब होता है। मांस खाने वाले को का शरीर जो है लाल रंग का होता है और मदिरा पीने वाले को के दांत काले होते हैं बचपन से। मांस भोक्ता अतिरंकः स्या वदन्तु स्तमद्यप अभक्ष भक्षको लौल्यात् ब्राह्मण स्याद् महोदरः। और कहते हैं जिह्वा के स्वाद से अभक्ष खाने वाला अगर कोई ब्राह्मण है तो जलोदर नाम का रोग होता है। कहते हैं जो भी पाप किया है पाप करने के बाद व्यक्ति नरक में तो जाता है और नरक से जब पुनः लौटता है तो ये सारे लक्षण दिखाई समझे पड़े तो समझना उसने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था। अदत्वा मिष्टमश्नाति सभवे गलगंडवान दूसरे को न देकर अकेले खाने वाला है ना वो उसको गलगंड रोग होता है कंठमाला रोग होता है। श्राद्ध के दिन में अशुद्ध अन्न खाने वाले को कुष्ठ चित्र कुष्ठ होता है। अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी नाम का रोग होता है। और वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी साक्षी झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में गूंगा होता है। और पंक्ति भेद करने वाला काना होता है ना पंक्ति अपने यहाँ पहले परंपरा रही कि कोई साथ में भोजन करे तो साथ में उठते हैं है ना पहले के लोग ऐसा तो। और जो इसलिए पंक्ति में जो भोजन करे जो पंक्ति भेद करता है उसे भी दोष लगता है। विवाह में विघ्न करने वाले का ओट कटा होता है। ये सब इसीलिए बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए है ना। विवाह में विघ्न न उत्पन्न करो पंक्ति भेद न करो है झूठी साक्षी कहीं झूठी गवाही न दो थोड़े पैसे के लालच में बोल दिया हाँ हाँ ये चोर है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और पुस्तक की कोई चोरी करे तो वो जन्मांध होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। गर्दः स्यात् जड़ोन्मत्तः खलवाटोऽग्नि प्रदायक दुर्भग फल विक्रेता रोगवान परमांस भुक। कहते मिथ्या बोलने वाले का कंठ अच्छा नहीं होता है और मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है बहरा होता है। जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है। और अग्नि लगाने वाले खलवाटी होते हैं जो कहीं आग लगाते हैं उनको ऐसा रोग होता है। मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला छोटी जाति में उत्पन्न होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला के नाखून अच्छे नहीं होते हैं। धातु मात्र को हरने वाला वो निर्धन होता है। जो
अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है ना, जो अन्न की चुरा ले वो अगले जन्म में चूहा बनेगा है। और धान्य की चोरी करने वाला खरगोश बनता है, शलभ बनता है। जल की चोरी करने वाला चामक नामक पशु बनता है। विष की जो चोरी करे है ना वो बिच्छू होता है। शाकम पत्रम शकी मृत्वा गच्छा द्या छछुंदरी शुभा। शाक पत्र चोरी करने वाले या सुगंधित वस्तु को हरण करने वाले छछुंदर बनते हैं। मधुदंश पलम ग्रंथो लवणम च पिपीलिका। शहद को चोरी जो करता है वो मधुमक्खी होता है अगले जन्म में। मांस खाने वाले जो है वो गीद बनते हैं। नमक चुराने वाले वो पिपीलिका मतलब चींटी बनते हैं। तांबूल फल पुष्पादि हरता स्याद वानरो वने। कहते जो तांबूल फल पुष्पादि का हरण करे वो चोरी करे तो कहते ऐसा वानर बनता है। जो जूता चुरा ले, तृण चुराए, काष्ट कोई लकड़ी चुराए, रुई चोरी करे, ऐसे लोग भेंड़ बनते हैं, मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान विलुम्पते मृगया व्यसनीयस्तु छागः स्यात् अधिके गृहे यो मृतो विषपानेन कृष्ण सर्पो भवेत् गुरु। कहते जो हिंसा कर्म से जीविका करता है और रास्ते में प्राणियों के धन को लूटता है, जीव हिंसा करके शिकार खेलता है, वो कसाईयों के घर में बकरा बनता है, उसी तरह उसकी भी गति होती है। जो जहर पी करके आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग विष पी करके आत्महत्या करें तो कहते हैं वो पर्वत वाले काले सर्प बनते हैं। जो किसी की आज्ञा से नहीं चलते, मतलब अगर माँ बाप समझाए, परिवार समझाए, बेटे ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो और ना करे, वो क्या बने, कहते हैं वो अगले जन्म में हाथी बनते हैं, है ना। मनमानी करने वाले लोग हाथी बनते हैं। और ब्राह्मण होकर के जो वैश्य देव नहीं करते, शूद्रादि रजक आदि सबके घर पे अन्न भक्षण करे, सबके घर पे, इसे ब्राह्मणों के जीवन में बहुत नियम है ना। लोगों को लगता है कि पंडिताई बहुत सरल है, बहुत कठिन काम। क्यों कठिन काम? हर जगह का अन्न नहीं लेना, हर जगह का जल नहीं पीना। क्यों? कहते हैं जैसा जल पियोगे वैसा वैसी वाणी होगी, है ना। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, इसलिए अन्न भी हर घर का नहीं लेना। इसलिए ब्राह्मण जो है हर घर का अन्न नहीं खाते, पका हुआ अन्न हर जगह नहीं लेते। तो यहाँ पे यही बात, ब्राह्मण होकर के हर घर में अगर कोई भोजन करे तो कहते हैं भैया उनके साथ क्या होगा कि वो अन्न न करके वो ब्राह्मण निर्जन वन में बाघ बनते हैं, व्याघ्र बनते हैं, है ना। और जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, और जो भीतर से पूरे दुष्ट हैं और बाहर से साधु बनते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि ऊपर से तो बहुत सही है, अंदर से बहुत खुराफात करते हैं, तो ऐसे लोग अगले जन्म में बगुला बनते हैं। अज अयाज याचको विप्र स भवेद ग्राम शूकर खरो वै बहुयाजित्वात् काको निमंत्र भोजना। अयाज का दक्षिणा के लोप से यज्ञाधिक करण का, यज्ञ भी हर घर में नहीं हो, है ना। कोई भी पूजा पाठ भी अगर कर रहे तो कहीं भी धन के लोभ में किसी के यहाँ भी कोई भी यज्ञ कर दिया जाए तो ऐसे ब्राह्मण ग्राम के सूकर, गांव के सुअर बनते हैं, ग्राम शूकर रहा। और बहुत से मनुष्यों को यजन कर, बहुत धन के लोभ में बहुत मेहनत करें, हर घर घर जाके पूजा करें, है ना, हर जगह यजन करें तो वो गधा बनते हैं, है ना। इसलिए कहा पात्र के यहाँ ही ये हो, है ना, अपात्र को नहीं देना। अशिष्याय न देयम् एक सूत्र है, जो अशिष्य है, जो अयोग्य है उसको प्रदान नहीं करना चाहिए, योग्य व्यक्ति को ही ज्ञान दीजिए, है ना। अयोग्य को देंगे, जैसे मान लीजिए ओसामा लादेन है कोई, है उनको पढ़ा दिया जाए, वो पता लगा कि अपने घर पे कल बम गिरा दे, है तो करने का मतलब योग्य को ही ज्ञान दिया जाए, योग्य के घर पे यजन कराया जाए, योग्य के घर पे कथा बांटी जाए, है। तो जो अगर अयोग्य के घर पे भी ये कर्म करे तो कहते हैं भैया वो गधे बनते हैं। और बिना बुलाए कहीं लोग, कुछ लोग होते बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवान है ना, कहीं रास्ते में गए, देखे भैया बिया हुआ है, चलो भोजन मार लेते हैं, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, कहते भैया कौवा बनते हैं अगले जन्म में, है ना, बिना बुलाए किसी का। वैसे तो किसी का बिना कर्म के ना खाइए, क्योंकि कल भरना पड़ेगा, उसने खिलाया तो आपके जीवन का पुण्य उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, है ना। अब पुण्य जब क्रेडिट, जब वापस आपको पुण्य की आवश्यकता पड़े तो फिर आपको तपना पड़ेगा, इसलिए तो किसी का खाइए ना, और खाइए तो जप करिए, है ना। कहा कि ब्राह्मण भोजन करे या कोई कहीं खा ले, घर पे आके थोड़ा जप कर ले कि हे भगवान आज थोड़ा पुण्य बढ़ा रहे, क्योंकि किसी के हम लेकर के आए। तो बिना दिए कोई भोजन करे वो कौवा बनते हैं। पात्रे विद्या मदाता च बलिर्वर्दो भवे द्विजः गुरु सेवाम करता च
शिष्यस्याद् गोखरा पशुः। कहते जो सुपात्र को विद्या दान नहीं करते हो, अब देखिए ये बात है, कुपात्र को विद्या देनी नहीं है ना, कुपात्र को कुछ बताना नहीं और सुपात्र से कुछ छुपाना नहीं। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा अगर सुने तो उसमें भगवान कहते हैं कि भैया तव स्नेहान मया वत्स प्रकाशक क्रियते धुना। हे नारद जी, नारद जी अनेक लोकों में घूमने जाते हैं, सबको दुखी देखते हैं, भगवान के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और भगवान से पूछते हैं महाराज दुख दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो बताइए। और भगवान तब कहते हैं कि भैया तव स्नेहान मया, ये है तो बहुत गुप्त और सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन तव स्नेहान मया वत्स प्रकाशक क्रियते धुना, आपके स्नेह के कारण आप अधिकारी हो इसलिए मैं ये बात आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर यही बात बताई, जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वो ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु सेवाम करता च शिष्य स्याद् गोखरः पशुः, गुरु हुं कृत्य तुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु बनते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार मतलब गुरु से वाद विवाद करे कोई अपने और ब्राह्मण को जीतने का प्रयास करे तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं वन में। जो पहले ब्राह्मण को वचन देकर के अंत में दान नहीं देते हैं वो सियार बन जाते हैं, और सत्पुरुषों का सत्कार नहीं करने वाले फेदकार बनते हैं, अर्थात जिसके मुंह से अग्नि निकलता है ऐसा कोई पशु है वो बनते हैं। मित्र द्रोही, जो दोस्त के साथ अपने मित्र के साथ द्रोह करे है ना, वो क्या बनता है, कहते वो पर्वत पे गिद्ध बनता है, गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में जो कपट करे है ना, लेन देन में जो कपट करे वो उल्लू होता है। जो वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर हो, जैसे आजकल निकले हैं सब है ना, बोलते कुछ ब्राह्मण वामण क्या ब्राह्मण, अरे हम ब्राह्मण से कम, अंबेडकर वाले है, किसी का नाम ले लेंगे बोलेंगे हम ही श्रेष्ठ है, ये ब्राह्मण वामण सब व्यर्थ की बात है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब ब्राह्मण है, हम चाहेंगे तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं। जो कहा वही बात है कि जो इस प्रकार से वर्ण के आश्रम, देखिए वर्णाश्रम बनाया किसने, पहले प्रश्न ये उठता है। तो भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम अगुण कर्मा विभागशः, सभी के गुण को और सभी के कर्म को देख करके और मैंने फिर चातुर्वर्ण की रचना करी। चार वर्ण भगवान ने बनाए है ना, जो बहुत सात्विक था, जो भगवान का भजन करने वाला था, जो बहुत बुद्धिमान था उसको ब्राह्मण बनाया है ना, जो बहुत बाहुबली था शक्तिशाली था है ना उसको क्षत्रिय बनाया, जो बहुत धन कमाने वाले लोग थे उनको वैश्य वर्ण दिया, जो सेवक लोग थे उनको शूद्र वर्ण दिया। और भगवान बोले चारों मैंने ही बनाया है और उनके गुण और कर्म को देख करके, तो इसका मतलब जब भगवान ने ही कुछ अगर निर्धारित करी की है तो हमको बुद्धि लगाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ विचार करके बनाया। तो इसलिए ये कहते हैं कि भैया जो वर्णाश्रम की निंदा करे वो वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन करने वाला, स्नेह का छेदन करने वाला या द्वेष विचार करके स्त्री त्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी। कहते किसी को आशा दे दे कि यार मैं आपके लिए ये करूंगा और फिर वो ना करे है ना, तो ऐसे लोग भी वो चक्रवाक पक्षी बनते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है, गर्भ में ही मृत्यु होती है। कुछ है ना, कई बार आपने सुना होगा कि कई कोई ऐसी स्त्री है जो काक वंद्या है या वत्स वंद्या है, बार बार उनके गर्भ तो होता है लेकिन बच्चे मरते हैं, बाहर जन्म नहीं ले पाते, अंदर ही मर जाते हैं। तो ये सब भी कारण क्या है, कहते भैया ये सब भी पूर्व जन्म का व्यक्ति का पाप ही है। जो माता से द्रोह कर ले, पिता से द्रोह कर ले, जो बहन से द्वेष करे वो जन्म पर्यंत गर्भ में मृत्यु पाता है। कहते श्वश्रोपशब्ददा नारी नित्यं कलहकारिणी, सासु को गाली देने वाली नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका नाम के रोग से पीड़ित होती है, और स्वामी को कटुवचन कहने वाली झूका नाम के रोग से पीड़ित होती है। स्वपतिम च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिति, जो स्त्री पति को छोड़ करके और परपुरुष के प्रति दुर्भाव रखे वो चमगादड़ी बनती है और वृक्ष पे उल्टा लटकती है। और यह स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्र स्त्री निवेशनात्, जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री, इसे एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, अपने आप कहा जाता है एक गोत्र में भैया भाई बहन है न करो विवाह, और कोई कर ले अगर तो कहते हैं वो रीछ बनता है, भालू बनता है ना वो अगले जन्म में। और तापस की कोई तपस्वी की स्त्री के प्रति अगर कोई देश करे तो मारवाड़ देश में भूत बनता है, है? और जिसकी युवा अवस्था नहीं है उसके प्रति कोई अगर दुर्भाव रखता है, दुष्कर्म करे तो वो अजगर बनता है। गुरु पत्नी के प्रति दुर्भाव रखने वाला गिरगिट बनता है। राजा की स्त्री के प्रति दुर्भाव जो रखे दुष्कर्म करे वो ऊंट बनता है। मित्र के पत्नी के प्रति जो दुर्भाव रखे वो गधा बनता है। इस प्रकार से कहते हैं भैया अनेक प्रकार के जो कर्म है वो इस जन्म में भी दिखाई पड़ते हैं।
मृतस्य एकादशा हम तो भुंजान श्वा विजायते लभे देवल को विप्रो योनुम कुक्कुट संज्ञकाम। कहते हैं इस प्रकार से मृतक के एकादशा में भोजन करने वाला कुत्ता होता है ना। अगर 11वें दिन जो भोजन करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, इसलिए एकादशा को सभी भोजन नहीं करते, जो करते हैं वो समझिए क्या बनेंगे, कुत्ता बनेंगे अगले जन्म में। और सवै देवल को नाम हव्य कव्येषु गर्हिता, ग्राम यज्ञ करने वाले देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट योनि मिलती है। धन के लिए जो देव पूजन करें वो देवलक बन जाते हैं। और कहते हैं ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त होकर के कर्मक्षय होने से मनुष्य रूप, ये सब कहते हैं भैया नरक भोगने के बाद फिर कर्मक्षय होता है, तो जब ये सारे रोग ऐसे ऐसे कर्म के कारण बनते हैं। और बताते हैं खरोष्ट महिषीणाम ही ब्रह्मायो निमृच्छति वृकश्वान श्रीगालानाम सुरापायान्ति योनिषु। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग करके पुनः इस मनुष्य लोक में गधा बनते हैं, ऊंट महिष आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं, मदिरा पान करने वाला भेड़िया बनता है, और कुत्ता सियार आदि की योनियों में उत्पन्न होता है। कृमि कीट पतंगत्वं स्वर्णस्ते स्वाप्तुयान तृण गुलमलता क्रमशो गुरुतल गमः। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि बनता है, कीट पतंग बनता है, गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण गुलमलता आदि के रूप में जन्म धारण करते हैं। परस्त्री को चुराने वाले, किसी की धरोहर को ले जाने वाले, ब्राह्मण के धन को नाश करने वाले नरक दुख में भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस बनते हैं। कपट से प्रेम रख करके जो ब्राह्मणों के धन को चुराते हैं उनके 7 कुलों का नाश हो जाता है। और इस प्रकार से जो हठात जबरदस्ती ब्राह्मणों के धन को जो भोगता है उनके कुल का नाश चंद्रमा और तारागण जब तक रहे तब तक होता है, उनके कुल का नाश निरंतर होता रहता है। लौह चूर्णम अष्टचूर्णम च विषम च जरेन्नर ब्रह्मत्वं त्रिषु लोकेषु कापमान जरशीष्यति। कहते लोहे का चूर्ण, पत्थर का चूर्ण, जहर आदि को प्राणी पचा सकता है ना, लेकिन ब्राह्मणों का जो धन है, साधु संतों का धन है, उसको कोई पुरुष पचा नहीं सकता है। ब्रह्मस्वर रस पुष्टानि वाहनानि बलानि च। राजा ब्राह्मण के धन को हर करके उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध के समय भाग जाती है। ब्राह्मणों के धन से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा, इसलिए देव द्रव्य ब्राह्मण का द्रव्य कभी हरण न करें। देव द्रव्योपभोगेन ब्रह्म स्वहरणेन च कूलान्य कूलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से, ब्राह्मण कुल का अनादर करने से कुल का नाश हो जाता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़कर के अन्य दूसरों को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण को छोड़कर के विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता। अच्छा, जो भी ज्ञान है याद रखना, कभी जो कुछ मिला है समाज में वो बांटने के लिए ही है। अगर हमको वेद ज्ञान भी है तो कोई अगर योग्य उत्तराधिकारी ब्राह्मण मिले तो उनको देना चाहिए। अतिक्रमे कृते तार्के भुक्त्वा च नरकान् क्रमान्। कहते ब्राह्मण का अतिक्रम करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोग कर फिर मनुष्य लोक में जन्मांध और दरिद्री बनता है, दरिद्र होता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करता है वो 60,000 वर्ष पर्यंत मलमूत्र में कीड़ा बनता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाले पापी पूरे महाप्रलय तक नरक में जाते हैं। दत्वा आवृत्तिम भूमिदानं यत्नतः परिपालयेत् न रक्षति हरेद्यस्तु स पंगु स्वाभिजायते। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान दे करके और उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करें तो उसको हर लें तो वो पंगु हो जाता है। विप्रस्य वृत्तिहरणे लक्ष्य देनु फलम। इसलिए कहे पहले वो राजा जब भूमिदान करते थे तो रक्षा की जिम्मेदारी भी, क्या आप चिंता मत करना हम सब संभालेंगे, बस सब आपका, आप वहां कुछ धर्म कर्म करिए, जो कहते हैं ऐसा न करे तो वो लंगड़ा बनता है। विप्रस्य वृत्तिहरणे लक्ष्य धेनु फलम भवेत् विप्रस्य वृत्तिहरणात् मर्कट श्वात् अपि भवेत्। ब्राह्मण की वृत्ति के करने से लक्ष्य गोदान का फल प्राप्त होता है। इसे ब्राह्मण होकर के और कोई ब्राह्मण की ही वृत्ति करे तो उसको अपने कर्म से ही सब मिल जाएगा। शास्त्र कहता है कि गोदान का फल मिलता है कि वो अपना कर्म यदि करे।
और ब्राह्मण की वृत्ति का कोई हरण करे तो कहते हैं वो मरकट और कुत्ता बनता है। तो इसलिए हे गरुण जी एवं आदिनी चिन्हानी योनयश्च ठगेश्वरः, इसलिए मैंने ये सब जो बताए हैं ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल के कारण ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसलिए एवं ततो जन्म सहस्त्रेषु प्राप्य तिर्यक्षरीरताम, कहते हैं भगवान की गरुण जी इस प्रकार से कोई अंधा लंगड़ा कृमि कुत्ता पशु पक्षी चांडाल आदि योनियों में दिखते हैं और महान रोग से कोई पीड़ित हैं तो अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के कारण ही उनको ऐसा फल प्राप्त हुआ है। समुत्पत्ति विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम एवं प्रवर्तितम चक्रम भूता ग्रामे चतुर्विधे, इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। तो जन्म तथा मरण स्वेदद उद्भिज अंडज जरायु सब प्रकार के प्राणी शरीर धारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी है, कहते भी इस प्रकार से 84 लाख योनियों में सब भटकते हैं। घंटी घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मम मायया भूमो कदाचिन नरके कर्म पाश समावृता, कहते जिस प्रकार से घंटा यंत्र भ्रमण करता है उसी प्रकार से सर्वभूत प्राणी कर्मों के पाश में बधे हुए मेरी माया द्वारा, भगवान कहते मम माया दुर्त्या ये सब मेरी माया के वशभूत होकर करते हैं। अदत दानाच भवे दरिद्रो दरिद्र भावाच करोति पापों पाप प्रभावान नरके प्रयाते पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभं ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। भगवान कहते हैं भैया कि अन्न दान न देने से व्यक्ति दरिद्र होता है और दरिद्र होने से व्यक्ति को पाप लगता है और उस पाप के प्रभाव से वो जीव नरक में जाता है और नरक से आने के बाद पुनः दरिद्र होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए किसी न किसी विधा से अन्न दान करना चाहिए, लोगों को भोजन कराए, अपने द्वारा अपने घर में अन्न दान होता रहे। नहीं तो वही बात भगवान कहते अवश्य में वह भोक्तव्यं कृत कर्म शुभा शुभम, कहते जो भी शुभ शुभ कर्म हम कर रहे हैं वो भोगना ही है। आप ये ना मानिए कि वो कोई छुटकारा मिलेगा, कहते इस जन्म में है तब भोगेंगे, जाने के बाद नरक में भोगेंगे और फिर आने के बाद फिर उसके फल स्वरूप ऐसे भोगेंगे। इसलिए जो भी शुभ शुभ कर्म व्यक्ति करता है वो विचार करके करना चाहिए। कहते अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। जय जय श्री गरुण पुराणे सारुद्धारे यम यातना निरूपणम पंच महा प्रेम त्रिवरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की अध षष्ठोध्याय पुष्प छोड़ करके पुनः पुष्प ले लीजिए।
ओम गरुड़ोवाच कथम उत्पद्यते मातुर्जठरे गर्भादि दुखम यद भुंक्ते तन्मे कथय केशवा। श्री विष्णुरुवाच स्त्री पुंस्तोत्र प्रसंगेन विरुद्धे शुक्र शोणिते यथायम जायते मर्द्यः तथा वक्षाम्यहं तवा। भगवान गरुण जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भादि दुख को कैसे भोगता है, बताइए। कैसे वो गर्भ में आता है और कैसे दुख भोगता है, पूरी बात हमको बताइए। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्त्री पुरुषो प्रसंगे न विरुद्धे शुक्र शोणिते। कहते स्त्री पुरुष संगम से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर एकत्रित होता है, गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मारने में इंद्र को हत्या लगी, उसका इंद्र ने चार विभाग कर दिया, पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों को वो क्रम दे दिया। तो स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि की उत्पत्ति भई है, इस कारण से 3 दिन तक स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। प्रथमे हनि चांडाले द्वितीय ब्रह्मघानी तृतीय रजगे हेता नरकागत मातरः। ऋतुकाल के प्रथम दिन स्त्री चांडाली कहलाती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के तुल्य होती है, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक में आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करते हैं। कौल रात्रेण पंच रात्रेण बुद्भुदम दशाहीन करकंधु वाततः परं। कहते हैं भैया, एक रात्रि में शुक्र शोणित होने से कोदो के सदित बनता है, 5 रात्रि में बुद्बुद सदित बन जाता है, 10 दिन में बद्री बेर के फल के समान जीव बन जाता है, मांस पिंडाकार होता हुआ और फिर अंड के आकारवत बनता है, 1 महीने में मस्तक आता है, 2 महीने में भुजा अंग की रचना होती है, 3 महीने में नाखून रोम हड्डी चर्म लिंग दश द्वार के छिद्र बनते हैं, 4 महीने में त्वचा मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति होती है, 5वें मास में भूख प्यास उत्पन्न होती है जीव में, 6 महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर के दाहिने कक्ष में गर्भ भ्रमण करने लगता है और माता के भक्षण के अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा मूत्र आदि का स्थान जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में वो शयन करता है। कृमि के जीव काटने से सबंग, कहते हैं भैया जो वो इस प्रकार से जीव बढ़ता है, जब बाद में 6 महीने हो जाते हैं, माता अगर जो खाए, तीखा खाए मीठा खाए जैसा खाए सब वो उस जीव को महसूस होता है। और कहते हैं वहां पर वो पीड़ा तो होती है, वो अनेक पीड़ा होती है, माँ अगर तीखा खाए बच्चे को पीड़ा हो रही है गर्भ में, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता है ना, वो कष्ट भोगता है बार बार। कहते हैं गर्भ में मूर्छित हो जाता है, उस पीड़ा से बेहोश हो जाता है। इसलिए कहा भैया पेरेंटिंग बहुत बड़ी कला है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, कैसे माँ बाप बना जाए है? ऐसे माँ बाप बन जाएंगे तो दिक्कत है। इसलिए कहा वो माँ गर्भ के समय क्या क्या भक्षण करे वो भी शास्त्र बताता है, है? और यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे यही बात उनको बताई है। कृमि भेषद सर्वांग सौ गुर मार्याद प्रदीक्षण मूर्छा माप्नोत् पुर क्लेशा तत्रियै च्युति मुहुर्मुहु। कहते माता जो जो खाती है, कड़वा तीखा है ना नमक वाला अधिक रूखा कसैला आदि जैसा भी भोजन माँ करती है, कहते उसके स्पर्श होने से उसके कोमल अंगों को बहुत पीड़ा होती है जीव को, और फिर भीतर से तथा ऊपर से आंत भी उपेक्षित है, तो इस प्रकार से वो बहुत पीड़ा का अनुभव करता है। आस्ते कृत्वा शिर कुक्ष भृग्न प्रश्न शिरो धर अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंता एव पंजरे। और नीचे मस्तक ऊंचा पैर और ग्रीवा जिसकी हो गई है इधर उधर, कहते हैं वो कैद खाने की तरह रहता है, नीचे पर ऊपर पैर है नीचे मस्तक है और डुल नहीं सकता, पिंजरे में पड़ा हुआ है, पिंजरे की पंक्षी के समान उसको गर्भ में जीव की स्थिति होती है। और वहां दयावश अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ उसकी नीचे श्वास करता हुआ सुख को प्राप्त करता है। वहां जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। जीव उवाच, जीव भगवान से प्रार्थना, जब गर्भ में इतना पीड़ा पाता है जीव तो भगवान से प्रार्थना करता है कि श्रीपतिं जगदाधारं अशुभ क्षय कारकं व्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सलं। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हे देवानां च महोदद्या देवानां च तथा सुदे। कहते हे नारायण, हे लक्ष्मी के पति, हे जगत के आधार, हे अशुभ कर्म को से मुक्ति करने वाले, कहते हे भगवान जो आपकी शरण में आता है आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा करिए।
तन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम ममाभिमाने न गतो हम नाथ संश्रितम। हे भगवान, आपकी माया से मैं मोहित होकर के देहादि में पुत्र कलत्रादि में इनका और यह मेरा है ऐसा मान करके जन्म मरण को प्राप्त हो। कहते जन्म मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? माया। माया क्या करती है? कहते भगवान मानस में कहते हैं, मैं अरुद मोर तोरते माया है? मैं मेरा तेरा यही माया है। सत्य तो यह है कि सब साथी है झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे, पगले भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, पगले भज राधे गोविंदा रे। कहते सत्य भगवान है, बाकी जितने जगत में जो लोग हैं कहते सब झूठे जगत के हैं, झूठी माया के कारण पड़े। यदि योन्या प्रमुच्चे हूँ तत् मरिष्ये पदम तव, तम उपायों करिष्यामि येन मुक्तियों व्रजाम्यहम्। कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करिए। मैंने कुटुंब के लिए किया, वही बात तो इनका था वाल्मीकि जी वाली बात कि मैंने परिवार के लिए सब करी है ना, शुभाशुभ कर्म किए परिवार के लिए मैंने सब, इनको लग्जरी देने के लिए मैंने सब कर्म गलत कर्म करे, और उसके बाद ये लोग तो खा पी करके चल गए, बिटिया अपने ब्याह करके अपने घरे है, और बेटवा अपन मेहरारू लेके अपने घरे है ना, और उसके बाद हम फंस गए अकेले, और उसके कारण अब मैं भोग रहा हूँ अपने कर्म का फल। तो हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। अब मुझे मेरी आंख खुल गई है कि ये लोग अपने नहीं थे, हम मानते थे सब अपने हैं लेकिन कोई अपना नहीं है, सब तो खा पी करके चल पड़े। हे भगवान, इस योनि से पृथक होकर के तुम्हारे चरणों का स्मरण करके फिर ऐसे कहते मैं जब बाहर आऊंगा ना तो ऐसी भक्ति करूंगा कि उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर मुझे आना जाना ना पड़े। बहुत पीड़ा है, तो अंदर भी पीड़ा है, पहले भी बहुत पीड़ा भोग करके आया, पूरा जीवन दुख में ही बीता है। भगवान से प्रार्थना करता है, विन मूत्र कूपे पद दो दग्धो हूं जठराग्निना, इच्छा नितो व्यवस्थितो कदा निर्मास्यते बही। भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ है ना, गर्भ की स्तुति है, कहा गर्भ में जीव को विवेक होता है। श्रीमद् भागवत में बताते हैं जीव जब गर्भ में होता है माता के तो उसको सब पता होता है, और बाहर आते ही माया घेरती है और सब भूल जाता है। क्या भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मैं मलमूत्र के कुएं में हूँ, हाँ मेरी रक्षा करिए, मुझे जल्दी से बाहर निकालिए। और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, ये ने दृशम में विज्ञान दत्तम दीन दयालुना, तमेव शरणम यामि पुनर्मे मातु संश्रुति। हे भगवान, आप दीनों पे दया करते हैं, आपने मुझको यह ज्ञान दिया है, जो ज्ञान मुझे गर्भ में प्राप्त हुआ है उस ईश्वर की मैं शरण में आया हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं पुनः जन्म मरण में नहीं पड़ूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, आप मुझे बाहर निकालिए। न च निर्गन्तुमिच्छामि बहिर्गर्भात् कदाचन, कहते इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने में कहते हैं सुना है बाहर जाते ही पाप कर्म शुरू हो जाएंगे, माया ऐसे घेरेगी कि भैया मन चंचल हो जाएगा, बचपन में खेल बचपना खेल में बीता है, जवानी भैया पति पत्नी के और आकृष्ट होकर समय बीता, बुढ़ापा बुढ़ापे में रोग आ गया, बुढ़ापा रोग में बीता है, और ऐसे अब धीरे से बेल आ गया चल पड़ा। कहने का मतलब कहते हैं हे भगवान, बाहर तो आना नहीं चाहता क्योंकि बाहर पाप होगा, लेकिन फिर भी निकाली, यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना, तस्माद् अन्नम महत् दुखे सिदोपि विगत क्लमा उद्धरिष्यामि संसाराद् आत्मानं ते पदाश्रय। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, फिर भी मुझे बाहर निकालिए, इस कारण से बड़ा दुखी हूँ, हे प्रभु मैं अपने आत्मा का उद्धार कैसे करूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं तब भगवान जीव को कहते हैं, एवं कृतमतिर गर्भे ऋषि सद्यः क्षिपत्य वाचिनः प्रसूति सूति मारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वक्षरातुरः विनिष्क्रामति कृष्णेन निरुश्वासो हतस्मृतिः। भगवान कहते हैं इस प्रकार गर्भ में बुद्धि विचार करके जीव 10 मास में स्तुति करता हुआ और नीचे मुख करके प्रसूति के समय वायु से निकाल दिया जाता है, उस प्रसूति के पवन से तक्षण अधोमुख से दुखी होकर के और बाहर श्वास रहित हो जाता है, तब उसे ज्ञान भी नहीं, तब उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है।
पतितो भूमिवद्मुद्रे विष्णा भूरी वचेष्ट दे रोरूप्य दिगदे ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। इस प्रकार कहते हैं भैया, गर्भ से अलग होकर के विष्ठा मूत्र से स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है, जिससे जन्म के समय वह रोता है, उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं कि बालक उत्पन्न हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में होती है, कहते भैया कुछ ऐसे कुछ समय है जब जीव को बहुत बुद्धि आ जाती है, सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यदा गर्भो गर्भे व्याधो श्मशाने च अपुराणे वा मतिर भवे। कहते हैं बुद्धि कब उत्पन्न होती है जीव को, कहते हैं भैया गर्भ में, जब गर्भ में जीव होता है तो उसको ये सारे ज्ञान हो जाते हैं, सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और गर्भे रोग, जब व्यक्ति रोगी होता है तब फिर वो सत्कर्म ही करता है, सच्ची बात बोलता है, तब उसको सद्बुद्धि आ जाती है। गर्भे व्याधो श्मशान, श्मशान में जाता है कोई जीव तो भैया उसको वैराग्य हो जाता है संसार के, नहीं नहीं एक दिन तो छोड़कर जाना है, अब गलत नहीं करूंगा, अब सही काम करूंगा। गर्भे व्याधो श्मशान जब पुराने या मत कोई कथा सुने, पुराण सुने, कहीं भजन करे, तब व्यक्ति की बुद्धि कुछ क्षण के लिए सही हो जाती है, और जैसे वहां से आया श्मशान से पुनः लौटा, धीरे धीरे फिर वही काम में लग जाता है। गर्भ से बाहर आया जीव पुनः वही काम में लग जाता है। इस प्रकार से या सा यदि स्थितम या तो को न मुचे तो बंधना, भगवान कहते हैं कि भैया जिसकी बुद्धि स्थिर ही रहे तो फिर वो काहे मुक्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं वो हमेशा मुक्त हो जाता है, जो हमेशा वैराग्य है, जिसको पता है कि यहाँ हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, सबको भगवान ने एक रोल दिया है, और बढ़िया जो अपना जितना अच्छा किरदार निभाएगा उसको उतना बढ़िया अवार्ड मिलेगा, है ना। तो माता बनाए तो माता का रोल प्ले करना है, बचपन में थी तो बिटिया बन करके रोल प्ले कर रहे थे, और सच्चाई है कि हम हैं किसी के नहीं और कोई हमारा नहीं। श्री भगवान वाच यदा माया मृजो शैशवादि भवोरभे ओम तदा गर्भात् बहिर्योनि कर्म भोगादनन्तरं तदैव विश्वी माया मोहयत्येव पुरुषं। जिस समय जीव कर्म योग सफल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय भगवान की माया से वो मोहित हो जाता है, और कहते हैं माया से मोहित तथा विनाश होकर के कुछ भी नहीं बोल पाता, और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन हो, फिर उसके बाद जो दुख है वो भी पराधीन होकर के भोगता है। कहते पर छंदम न विदुषा पोष्यमाणो जने न स अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातु मुनीश्वरः। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता तो बालक सेवा करते हैं, वो बालक रो रहा है, वो पेट दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है वो माता पिता को नहीं पता होता है। इस प्रकार वो बचपन में पीड़ा भी अलग है, ऐसा विचार करके जब बच्चे को भूख लगती है तो माता पिता उसको दवाई पिला देते हैं कि नहीं 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 इसको लगता है पेट दुख रहा होगा, दवाई पिला देते हैं, और कहते हैं जब पेट दर्द होता है तो माता सोचती कि भूख लगी है तो उसको दूध पिलाते हैं। तो ऐसी अलग ही अलग पीड़ा, इस प्रकार से बचपन की जो पीड़ा है वो अलग है, और बच्चा बोल नहीं पाता, चींटी काटे या मच्छर काटे वो रो रहा है, कुछ बोल नहीं सकता, तो बचपन की एक अलग पीड़ा है। तदुत्पन्ना मत्वचो दंशामशका मत्कुणादया रुदन्तो विगत ज्ञानं क्रमयः क्रमिकं तथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं भौगण्डमेव च ततो यौवनमासाद्यं याति तम्बमासुरम्। कहते माता ने अनेक जीव है खड़े, वो खटमल उटमल है, बच्चे को सुला दिया, खटमल काट रहा है वो अलग पीड़ा है, इस प्रकार से उठने में समर्थ नहीं है, शरीर को खुजला नहीं सकता वो पीड़ा होती है, मच्छर काटे बालक के नूतन शरीर को तो वो ज्ञान रहित होकर के रोता है, दुख भोगता है। इस प्रकार से 5 साल तक बाल्यावस्था में दुख होते हैं, और उसके बाद पौगंडावस्था में विद्याध्यन करते समय दुख, बचपन में फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, जब हम प्राउड हो जाए तो लगता है कि नहीं नहीं काश पढ़ लिए होते। और बचपन में कोई व्यक्ति अगर भले माता पिता बने, हम भी ऐसे ही थे जैसे ये हैं, है? माँ बाप डंडा ले लेके पढ़ाते थे, पढ़ बेटा कमाने कबूतर, नहीं पढ़ेंगे खेलने जाने, क्यों? वो भी एक दुख है, बचपन में विद्या भी बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ी विपत्ति है मोड़े पर। तदा दुर्व्यसनासक्तो नीच संग परायण, अनेक तरह का इस प्रकार से बचपन बीतता है, और फिर आगे बड़ा होता है तो नीच की संगति लग जाती है, है ना, मित्रों के साथ दुर्व्यसन करेगा, है बुरे कर्म करेगा, शास्त्र सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ काम, फिर उसके बाद फिर जवानी आ जाएगी तो बिना विचार किए पागलों की तरफ पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री पुरुष के पीछे भागता है। दृष्टवाथ्रियम देव मायाम तद्भावी रजितेन्द्रिय, ईश्वर रूप की माया रूपी स्त्री को देख करके और उसके भाव से परवश होकर के स्त्री को ठगा कर महामोह में गिरता है, और उसके बाद फिर बिना विचार किए आगे का जीवन प्रारंभ हो जाता है। शास्त्र ने हर जगह नियम बनाया है लेकिन बिना विचार के कर्म करता है, इसीलिए दुखी जीव होता है।
अकुरंग पातंग पतंग भृंग मीना हृदा पंचभिरे पंच एक प्रमादी कथम न हन्यते यसंबदे पंचभिरे पंच पंचेंद्रिय द्वारा परविश होने से जीव दुख को भोगता है। कहते मृग हस्ती पतंग भ्रमर मीन ये पांच जन अलग अलग इंद्रिय परविश होने से दुख भोगते हैं। यह मनुष्य अकेला प्रमाद से पंचेंद्रिय तक पंच विषय तक सेवन करता है तो इसमें क्या आश्रय है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो बताया इसमें मृग हाथी, हाथी को कोई पकड़ सकता है शायद कोई नहीं, पर क्यों? कहते उसमें एक विकार है, पांच के इंद्रियों के अपने स्वभाव है, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध। और स्त्री उसमें हाथी में क्या विकार है? कहते हैं स्पर्श का विकार है, उसको पकड़ने के लिए जो होते हैं ना वो वहां पर एक घास की हथिनी बनाते हैं और बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसको स्पर्श करने के चक्कर में वो जा करके गड्ढे में गिरता है और पकड़ा जाता है। ऐसी मृग मृग जो है, मृग क्यों पकड़ा, मृग क्यों परेशान है? कहते गंध के कारण। मृग के नाभि में कस्तूरी है और कस्तूरी की सुगंध आ रही है, लेकिन वो जान नहीं पाते कस्तूरी कहाँ, और उसे मृग मरीचिका में ही भटकता भटकता वो प्राण त्याग देता है। कहते ये एक एक विकार है ना, इसलिए ये लोग पकड़े जा रहे हैं। और मनुष्य में पांचों के पांचों साथ में है तो फिर उसकी कैसी गति होगी, विचार करिए। करोमि विग्रह कामी कामी सुंदाय जात्मना बलाधिक सहन्ते न गजैरन्तेर गजो यथा। कहते हैं भैया कि फिर मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध, कहते हैं भी कामात क्रोध हो भी जाए, पहले तो कामनाएं उत्पन्न होती, इच्छाएं उत्पन्न होती है ना कि ये कर ले वो कर ले वो कर ले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती तब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध, कामात क्रोध हो। जैसे कामना किसी से कोई उम्मीद लगाना वो पूरा न हो तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोध हो विजयते क्रोधात भवते सम्मोह, उसके बाद चिंता उत्पन्न होती है और ऐसे देह के साथ अन्य काम क्रोध भी बनते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है, तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हस्ती नष्ट होता है। कहते भैया सबकी दुख क्यों है परिवार में, ये सूत्र है, सबकी कामनाएं हैं, है ना, वो चाहता है कि ऐसे हो, ये चाहता है तो ऐसे हो, इसीलिए परिवार में कलह है, जीवन में दुख है, है? इसलिए कहते हैं कि भैया जब गृहस्थ में आ गया ना तो ऐसा ही नहीं, ही शब्द को छोड़कर के भी पे आ जाना चाहिए, है ना, ऐसा ही हो नहीं, बैगन ही बनेगा नहीं बैगन भी बनेगा, है ना, ही पे लगेंगे अगर तो व्यक्ति दुखी होगा, इसलिए सब कामनाएं ना लगा, कभी उनकी खुशी के लिए आप खा लीजिए, कभी आपकी खुशी के लिए वो खा ले, है? तो क्या होगा, आपस के संतुलन से जीवन चल पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो गृहस्थ धर्म है दो चक्के पे है, है ना, एक भी चक्का गड़बड़ हुआ तो गाड़ी रुकी, तो दोनों को संभालना पड़ता है, और संभालने के लिए क्या कहते हैं वो लव क्या है, एक ट्रस्ट केयर कॉम्प्रोमाइज एंड रेस्पेक्ट, ये है प्रेम, है ट्रस्ट, वहां पूरा भरोसा हो अपने जीवन संगिनी पे या जीवन साथी पे, और फिर दूसरे की केयर करे, एक दूसरे का ख्याल आपको रखा, अब आप ही माई बाप है। हमारे यहाँ पहले वो एक साधु थे, कहते थे भैया ये मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी माँ है, क्यों माँ है, कहते इतना ख्याल रखती है, वो खिलाती माँ के समान खिलाती है, स्त्री के धर्म है भोज्येषु माता, स्त्री के सदगुण है। कहते भैया खाना कैसे खिलाए, तो कहते माँ की तरह खिलाए, है ना, तो इस प्रकार ये सदगुण होना चाहिए, इस प्रकार तब क्या हो, कहते एक दूसरे का ख्याल रखे, उसको पीड़ा तो कभी उसके भी पैर दबा दो वो भी थक जाती होगी, है ऐसा नहीं कि वो समाज चला रहे कि नहीं नहीं पुरुष तो भैया राजा है और स्त्रियां दासी है और वही सेवा करे तभी एक काम चले, ना ना कभी उसका, इससे क्या होगा प्रेम बढ़ेगा परिवार में, और प्रेम बढ़ेगा ना तो लगेगा ये स्वर्ग है, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना, और फिर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब एक दूसरे के लिए समझौता करिए कभी किसी बात को लेकर, जरूरी नहीं कि यही हो, हाँ अगर वो भूले कि नहीं चलो यार मेरा कुछ मेरी इच्छा कर रही है ये भी करना चाहिए तो कर लीजिए उसकी खुशी के लिए, तब तो आनंद आएगा, हाँ क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, शास्त्र कहता है जीवन एक बार मिला है फिर 84 लाख है, मच्छर बनोगे कुत्ता बनोगे जैसा काम जो करे, हैं और फिर वो उसके बाद मनुष्य बनना है नहीं बनना वो भी गारंटी नहीं, तो फिर जब मनुष्य बन ही गए हैं तो चकाचक जिंदगी, यहाँ जो व्यवस्था मिल रही है ना वो वहां नहीं मिलेगी, हैं यहाँ छोला भटूरा है, यहाँ सारी व्यवस्था है, जो खाना पीना है सब व्यवस्था है, मनोरंजन के सारे साधन है, और उसके बाद भी जीव दुखी है तो फिर वो अभाव है। यहाँ परिवार है हमारे साथ, लोग खड़े हैं, कुछ पीड़ा हो तो खड़ी हो जाएगी बिटिया, पिताजी आएंगे बिटिया दौड़ेगी पिताजी पानी दो, इसलिए बाप बेटी से बहुत प्रेम करता है, बिटिया का धर्म है, पिताजी आए कि पानी लेके दौड़, पापा पानी, बेटवा नहीं पूछेगा, बेटवा तो भैया अलग ही किस्म का है, अलग ही दुनिया में जीते हैं, यही बात बता दृष्टि कहा वो कॉम्प्रोमाइज, और चौथा बात रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, कभी किसी के सम्मान का हनन ना हो ये ध्यान देना होगा, है ना, उसके सम्मान के लिए लड़ जाइए,
याद रखना, तब तो भैया परिवार में आनंद होगा, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार सम्मान का उसका अपमान ही करते हैं। कई स्त्रियों का ये कंप्लेन है, जब कहीं जाना हो तो यही बोलते हैं गुरु जी बहुत अपमान करते हैं ये लोग। माँ अलग से करेगी और जो ननद है उसका अलग नाटक है, और पति देव के साथ में अलग से कर रहे हैं, तो हम तो भैया ना यहाँ जय था कि मर जाए ऐसे लगत बा। मतलब तो क्यों ऐसी स्थिति ना है। देखिए अगर बाहर किसी और की बेटी हमारे घर में दुखी है तो मान लीजिए हम लोग अभागे हैं, तो हमारी बेटी भी दुखी होगी, फिर कंप्लेन ना करना, फिर मानना कि हमने किया था ऐसा। इसलिए शास्त्र कहता है भैया कि ये जीवन में होना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीने का प्रयास हो। जाति शदेश लभते भुवि मानुषं तत्र विदुर्लभ धर्म खलु वो द्विजत्वम्। कहाँ पहुंचे, अलब्धा भीप्सितो ज्ञानत् इद्धमन्यो शुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। इस प्रकार से कहते हैं ये काम जो है एक दूसरे की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत दुख देती है। इसलिए आशा, इस शास्त्र में एक और सोचते हैं आशा दुख से कारणम, है ना, जितनी उम्मीदें हैं हमको ना वो दुख देती किसी से उम्मीद। इसलिए साधु संत या जो जो प्रसन्न व्यक्ति है ना वो किसी से उम्मीद नहीं रखता। घर में गए बेटिया बटवा कोई पानी खाना पूछे ठीक बा धन्यवाद, नहीं पूछे तो खुद बना के खा लेगा, तो उसको तकलीफ भी नहीं, उसको कोई उम्मीद नहीं, वो खाली देना जानता है। प्रेम यही है, प्रेम क्या है जो दे करके भूल जाए वो प्रेम है, और काम क्या है काम जो लेने के बाद फिर इच्छा लेके ले और बढ़ जाएगी कि नहीं नहीं आज आज एक दिया तो कल नहीं कल दो दो बड़ा पकला है ऐसे, मतलब इच्छाएं बढ़ते रहेंगी। इस प्रकार से प्रेम देता है और भूल जाता है। माँ बाप जीवन में बच्चों को बहुत कुछ देते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। ओ एवं यो विषयाशक्त्या नरत्व मति दुर्लभम्। इस प्रकार से जो मूर्ख विषय भोग में आसक्त तो मनुष्यत्व का नाश करते हैं अत्यधिक पापी प्राणी कौन है। कहते भैया यही तन कर फल विषय न भाई, ये तन केवल और केवल विषय के लिए नहीं है, है ना। क्या करना, वही बात है क्यों व्यक्ति बीमार है, आज सभी निजवा ये चर्चा है क्यों व्यक्ति बीमार हो रहा है, इसीलिए कि विषयों में डूबा है, है? इसको मंचूरियन चाहिए है? इसको मोमोज खाना है, इसको नूडल्स खाना है, है ना, और धीरे धीरे पेट में वो जमा होगा मैदा, और मैदा धीरे धीरे शरीर खराब कर चुका होगा, सिस्टम पूरी तरह बर्बाद, दुनिया भर की बीमारी अलग से, दवाई अलग से खाओगे, सुई अलग से लगेगा, अच्छा है क्यों ये सब त्यागी। क्या अपने यहाँ एक मर्यादा है, भोजन की मर्यादा है, फलाहार करिए, फल खाइए, जितना अधिक से अधिक वो फल खाइए, जितना अधिक से अधिक सो रॉ फूड्स खाइए, कच्चे सलाद वलाद खाइए, पदार्थ ये पद्धति है अपनी। सुबह उठ करके क्या करना, पानी पीना, ये नियम था अपना, है ना, सुबह उठते ही पानी पीना, कितना पीना जितना पी पाओ पेट एकदम चकाचक क्लियर रहेगा। और भी पद्धति थी कि तांबे में रख के पियो, है तांबे के पात्र में रखकर, ये सब विज्ञान था। दूध कब पीना, रात को थोड़ा सोते वक्त बस उतना बहुत है, ये सारे विज्ञान। कहते जो आयुर्वेद के अनुसार जीवन जिएगा वो कभी रोगी नहीं होगा, और जो इस प्रकार देखते दिन में सवेरे उठते ही मंचूरियन मोमोज वड़ा पाव समोसा में डूबा और मैदा में खाना चालू किया, वो मैदा उसको ऐसा मैदा बना देगी वो दिखेगा भी मैदे की तरह, पूरा सिस्टम खराब। कहने का मतलब जीवन कैसा हो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। एवं वो विषय मति दुर्लभम। इस प्रकार से इसीलिए जीव दुखी होता है। भगवान कहते हैं भैया कि पशु आदि से लेकर के जो अनेक योनियां हैं जिनके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्यपन प्राप्त होता है उसमें ब्राह्मण तो कहते हैं भैया पहले तो दुर्लभम मानुषो देही, पहले तो मच्छर बनेंगे कि मक्खी बनेंगे ठाकुर जाने, और मनुष्य बन गए तो बहुत दुर्लभ है भगवान की कृपा, और मनुष्य में भी अगर कोई ब्राह्मण बने तो और महती कृपा की, ब्राह्मण कुल में कोई उत्पन्न हुआ हो, और ब्राह्मणों में भी कोई अगर भगवत सेवक है ठाकुर जी की सेवा करे भगवान का नाम गाए, तो कहते भैया ऐसा जीव दुर्लभ है। इसलिए हे गरुण जी कुछ भी विचार नहीं करके इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं, उस ब्राह्मण के हाथ में आया अमृत प्रमाद से नीचे गिर गया, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके हरि भक्ति करना जन सफलता है। कहते भैया इस प्रकार जीवन की सफलता क्या है, तो भगवान कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सफलता है। दुर्लभ तरम खलिभो द्विजतो, भगवान की भक्ति करना ही जीवन की सफलता। यतस्ताम वृद्धताम प्राप्य महाव्याधि समाकुल मृत्युम प्राप्य म दुखम नरकम याति पुरवत। युवावस्था में दुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधि से पीड़ित होकर के दुखी होना होता हुआ मृत्यु के वशभूत होकर के पुनः नरक में गिरता है।
इस प्रकार से नरक में आना, मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म पाश में बंधा हुआ जीव पापी किसी भी समय वैराग्य प्राप्त नहीं होता, बार बार जाएगा, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनसे गलती हो गई और वो जेल में चले गए और दोबारा आके गलती नहीं करते, जेल आने के बाद बाहर सुधार जाते हैं और फिर गलती नहीं करते, तो ऐसे जीव तो धन्य है। और कुछ लोग बार बार करते हैं फिर वो जेल में जाते हैं, मतलब बार बार पाप किया नरक में गए, फिर जन्म लिया फिर नरक में गए, तो इस प्रकार से वो जन्म मरण का चक्कर में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया हे गरुण जी, एवं गतागते कर्म पाशये बद्धाश्च पापिनः। कहते हैं भैया कदापि न विरजन्मे मम माया विमोहिताः। कहते हैं मेरी माया से मोहित होने के कारण और कभी किसी को जीव को वैराग्य नहीं मिलता और इस प्रकार से कर्म पाश में बंधे होकर के और संसार चक्र में फंसे रह जाते हैं। इसलिए हे गरुण जी, इस प्रकार से अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की गति कहाँ होती है? अब क्या, अब सुनना क्या चाहते हैं वो बताइए। इति जय जय श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे पाप जन्मादि दुख निरूपणम नाम षष्ठः। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापते भोले शंकर की जय जय उमापते भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला नंदलाला नंद यशोमती नंदन नंदलाला जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ सप्तमोध्याय सूत उवाच इति श्रुत्वा तु गरुणः कंपितो श्वत्थपत्रवन् जनानाम् उपकारार्थं पुनः प्रपच्छ केशवम्। ये सुनकर के गरुण जी कंपित हो गए और भगवान से पुनः प्रार्थना करिए कि हे भगवान कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा नयान्ति यातनायाम्य केनोपायेन कथितां। कि हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त करके नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या करें कि नरक में न जाए, ये उपाय बता दीजिए, है ना। भगवान से प्रार्थना करके पूछा। संसाराणाम मग्नानाम नराणाम दीन चेतसाम पापो पहत बुद्धि नाम विषयो पहतात्मा। ऐसा क्या करे कोई जीव कि वो नरक में न जाए, हमको बताइए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जो दीन है,
चित्त जिनका ऐसे पाप में जिनका नाश हुई बुद्धि विषयों में जो विषयों में डूबा हुआ जीव है ऐसे मनुष्य के उद्धार अर्थ है भगवान। कोई शास्त्र की ऐसा कोई उपाय है तो हमको बताइए जिससे मनुष्य की सदगति हो जाए। भगवान कहते हैं साधु कृष्ण दयादार्थ मनुष्याणाम हिताय वै सुनुष्वा बहिता भूतवा सर्वं ते कथयाम्यम। हे भगवान, भगवान कहते हैं कि गरुण जी तुमने मनुष्य के हित के लिए बहुत दिव्य बात को पूछा है, ध्यान से सुनिए। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की गति होती है वो तो पूर्व में मैंने आपको बता दिया, पर हे गरुण जी पुत्रवान पुरुष और धार्मिक पुरुष की कभी दुर्गति कभी नहीं होती। जो पुत्रवान है उसकी दुर्गति नहीं होगी। कहते यदि यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ फिर भी पुत्रोत्पत्ति के लिए उपाय करना चाहिए। शतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण आदि के श्रवण करने थे, शिव जी की आराधना करने थे, बुद्धिमान पुरुष पुत्र उत्पादन करते हैं। पिता को पुन्ना में नरक से जो तार दे वो पुत्र है, इसलिए पुत्र होना आवश्यक है। एक ओपी पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलं पुत्रेण लोकलं जायते श्रुतिरेषां सनातनि। धर्मात्मा एक पुत्र भी तो एक भी कोई पुत्र अगर धर्मात्मा है कहते हैं सात कुलों को वो तार देता है और ऐसे पुत्र से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। यथा वेद में भगवेद भगवान कहते हैं इति वेदैरपि प्रोक्तं पुत्रमाहात्म्यमुत्तमं तस्मात् पुत्रमुखं कृत्वा भुज्यते पैतृकात्। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए और कहते हैं पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन तीनों ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है। स्त्री को पुत्र स्वर्ग में ले जाता है। अवाहिता की स्त्री को यदि पुत्र देना चाहिए कहते हैं भैया विवाह के बाद ही पुत्र हो, ऐसा ध्यान देना चाहिए। एवं ज्ञातवाहीन जाते सुजान्यजे। कहते हैं कि सवर्ण पुरुष से ही स्त्री में जो पुत्र होता है वो औरस पुत्र है। जो अपने ही वर्ण की पुत्र से जो पुत्र है वही अपना पुत्र है और जो कि श्राद्धादि करने में पितरों को स्वर्ग लोक में ले जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण जी श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते इसमें संदेह नहीं है, इसीलिए अन्य पिंड द्वारा पिंड देने से एक प्रेत भी स्वर्ग गया। कथा सुनाई कहते हैं अगर अन्य भी अपना पुत्र अगर पिंड दान करे तो पिता स्वर्ग को जाएगा, ये सत्य है, लेकिन और भी कोई पिंड दान कर सकता है क्या तो हमको बताइए। तो बताते हैं कि भैया हे गरुण जी ध्यान से सुनिए, मैं एक इतिहास की कथा बताता हूँ कि जिसने अन्य ने पिंड दान किया वो मुक्त हो गए। कैसे? कहते त्रेता युग की कथा है। एक महोदय नामकपुर में बलवान धर्मनिष्ठ बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। यजवादान पति श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वसला शीलाचार गुणों पे तो दयाताक्षणीय संयुत। कहते यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार गुण आदि से क्षत्रिय धर्मयुक्त एक राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह प्रेम करता था। किसी दिन महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने के लिए एक वन में प्रवेश किया और नाना प्रकार के वहां पे पशुओं को मारा, मृगों को मारा और आकर के जहां पक्षी शब्द कर रहे थे ऐसे वन में राजा ने एक मृग देखा, हिरण देखा। राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण उस मृग पर छोड़ा लेकिन वो मरा नहीं और राजा के चलाए हुए बाण को लेकर के मृग वन में प्रवेश कर दिया। अब क्या हुआ कि बाण लग तो गया हिरण को लेकिन मरा नहीं और वन में चला गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल क्या देखा, जहां जहां उसके रक्त गिरे थे राजा उसके पीछे पीछे गया। क्षुद्र क्षाम कंठो नृपदे शम संताप मूर्छित जलाशयम समासाद्य शाश्वह एव व्यगाहत। मार्ग चलने के श्रम से क्षुधा दृशा द्वारा कंठ प्यास लगने से वो राजा का चित्त विवल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख करके राजा घोड़े सहित एक जल में प्रवेश किया। राजा घोड़े से उतर करके कमल के सुगंध से व्याप्त शीतल जल का पान करके थोड़ा उसको आनंद की अनुभूति हुई। राजा ने उस समय वहां एक बट वृक्ष बरगद का पेड़ देखा, उसकी छाया के नीचे बैठा। तब वहां पे देखा कि प्रेत उत्पन्न हुआ। अब प्रेत बहुत भूख और प्यास से व्याकुल था, ऊंचे केश वाला, मैला शरीर, कुबड़ा मांस रहित, ऐसे भयानक स्वरूप वाले प्रेत को राजा ने देखा और प्रेत से पूछा कि भैया इस भयंकर वन में तुम क्यों रहते हो। प्रेत भावो मया दग्ध प्राप्तोऽस्मि परमां गतिं तो संयोगात् महाभागो जायतो धन्यतरोऽस्मि। हे राजन अब आप जो मिल गए हो, यहाँ पहले कोई आता नहीं पर आप आ गए हो तो मैं प्रेतत्व से मुक्त हो सकता हूँ, मुझे आपको एक उपाय करना होगा। राजा ने कहा कि क्या करूं। कृष्ण कर्णम करालत्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तं च बहुमंगलम। कहते पहले तो तुम प्रेत क्यों बने वो बताइए और क्या करो कि तुम प्रेत से मुक्त हो जाओगे हमको बताइए। तो बताते वो प्रेत ने बताया कि प्रेत कहता प्रेत उवाच
कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव प्रेतवत् कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं त्वमर्हति। बताते हैं कि वैदिक नामक एक नगर था, वहां संपदा आदि से युक्त अनेक देश के कारणों से अनेक रत्नों से युक्त घर देव मंदिर अनेक प्रकार से धर्मों से परिपूर्ण ऐसा दिव्य नगर, मैं उसमें सदा देवता का पूजन करता था। मेरा जाति का वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तृप्त किया और कवि से पितरों को तृप्त किया, अनेक प्रकार के दान किया, अनेक प्रकार से दीन की अंधों की कृपणों की सबकी सेवा करी है। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत दैव योग से विफल हो गए, सब क्यों विफल हो गए। कहते हैं अब मैं तुमको सुकृत क्यों, मेरे सारे ये अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे अच्छा फल नहीं मिला, ध्यान से सुनेगा। कहते हैं यस्यन महाराज श्राद्धम महाशिकोर, कहते हैं पुत्रादि संतति हितैषी मित्र इत्यादि नहीं है, कोई ऐसा मेरा नहीं है जो मेरे लिए पिंड दान आदि कर्म करे। तो हे महाराज, जिनके 16 श्राद्ध नहीं हुए हैं उनका प्रेत तो बना हुआ है, और शत श्राद्ध और भी गए हो तो अलग बात है। तो हे राजन, तुम मेरी और तो देही क्रिया करके उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों में राजा ही बांधव है, जिसका कोई नहीं उसका राजा ही बांधव है। तो तुम क्रिया करके मेरा कल्याण करो, मैं एक मणि रत्न देता हूँ जिससे मेरी सदगति हो, प्रेत तो चला जाए। यथा कार्यम तो या वीर मम चेद इच्छति प्रियम तुम क्रिया करके मेरा कल्याण करो, यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा दृशादि दुखों से युक्त होकर के महान कठिन दुस्सह प्रेत से मैं छूट जाऊंगा। साधु उदकम फलम चाहते वने शीतलम शिवम न प्राप्त तो न जलूं। कहते प्रेत तो क्या है, मुझे भूख लगती है पानी पास में है लेकिन मैं पी नहीं सकता है? मुझे भूख लगती है प्यास लगती है और पास में जलाशय के पास पेड़ में हूँ लेकिन मैं पी नहीं सकता, मेरे पास पीने के लिए इंद्रिया नहीं है। मुझे भूख लगती है फल सुंदर सुंदर फल लगे हैं, मैं फल नहीं खा सकता। तो मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं छूटने का उपाय बताता हूँ। कहते मेरे छूटने का उपाय यह है कि आप मेरे लिए नारायण बलि करवाइए और वेद मंत्रों द्वारा और देह क्रिया करिए, इससे प्रेतों का नाश हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण करना, ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्ट करिए, जीवों पर दया करिए, शस्त्रार्थ का श्रवण करिए, भगवान नारायण के शालिग्राम का पूजन करिए और सत्पुरुषों की संगति करिए, इससे प्रेत योनि का नाश हो जाता है, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। सवर्ण द्वैमानीयम सुवर्ण नय संजितम तस्य नारायण से एकाम प्रतिमां भूपकल्पयति। इसलिए प्रेतत्व के नाश करने वाले विष्णु की पूजा मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है। नारायण बलि बताइए उनको कि 16 मासिक का एक सुवर्ण भगवान नारायण की मूर्ति बना करके उनका पूजन करिए, उनको पीताम्बर ओढ़ाइए, आभूषण इत्यादि करिए, भगवान का पूजन करिए। उन प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर भगवान का पूजन, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करिए, मध्य में ब्रह्मा और शिव को स्थापित करके गंधादि से उनका पूजन करिए, तदंतर प्रदक्षिणा करके अग्नि से घृत से होम प्रदान करिए, दूध से विश्वदेव और सभी देवताओं का तर्पण करिए। आरभे यथाशाद्धम क्रोध लोभ विवर्जितः कुर्या श्राद्धानि सर्वाणि व्रतस्यो सर्जनम् तथा। ऐसे ही शास्त्रीय धर्म से नारायण बलि करने के पश्चात अगर लोभ रहित हो तो श्राद्ध करिए और वैसे ही वृक्षोत्सर्ग करिए। तदनंतर 13 पददान ब्राह्मणों के लिए 13 पददान करिए, शैया दान देकर के प्रेत घट का दान करिए। ऐसा सुन करके राजा ने कहा कि हे प्रेत, घट को किस विधान द्वारा देना चाहिए हमको वो भी बता दीजिए। प्रेत कहते हैं साधु पृष्ठ महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेत् येन दानेन सुदृढ़ेन च। प्रेत कहा कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, प्रेत घट दान करने से सब अशुभों का नाश हो जाता है, सब जो दुर्गति है वो समाप्त हो जाती है। क्या प्रेत घट? कहते सुंदर सुवर्ण में एक घट बना करके उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल आदि का नाम लिख करके दूध और घी से भर करके हे महाराज भक्ति से नमस्कार करके ब्राह्मणों को दान करिए। कोई दान करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है, ये क्योंकि जो यज्ञ याग आदि करते हैं ब्राह्मण जो घर में नित्य यज्ञ करे उनको घी का दान करिए घट में भर करके, हैं, या कि दुग्ध का दान करिए ताकि उसके द्वारा वो भगवान का पूजन करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये प्रेत घट का दान है। हे राजन, गंध अक्षत आदि से पूजन करके दूध घी से परिपूर्ण स्वर्ण में घट का दान करिए। सब दानों में घट दान जो महापापों का नाश कर देता है, तो इस दान से श्राद्ध करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। ये बात राजा से प्रेत ने कही। भगवान कहते एवं संजत्य पदत्तत्य प्रेतेन काश्यप तेना जगामानुपदं हस्त्यश्वत रसंकुला। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रेत और बब्रुवान राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी घोड़ा रथ और सोना वहां गए, उससे वह प्रेत राजा को नमस्कार
नमस्कार करके प्रार्थना करके महामणि राजा को अर्पण करके वहां से चला गया। राजा भी उस वन से निकल करके अपने देश में जाकर के जैसा जैसा प्रेत ने कहा था वैसे वैसे उनकी क्रिया करी है और उस विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने से वो प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला गया है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि कोई भी अगर किसी का कोई नहीं है तो मित्र भी भूत का पिंड दान कर सकता है और भी लोग हैं। मात्र कहते हैं श्राद्धे न पर दत्ते न गतम प्रेतो सद्गत्युम। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि दूसरे के द्वारा भी यदि कोई सत्कर्म पुण्य कर्म किया जाए उस व्यक्ति के निमित्त तो सदगति होती है, क्योंकि पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर यदि पुत्र ना हो तो और भी कोई है जो उनसे जुड़े और मतलब जो और भी उनसे देह से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उनके लिए ये सारे कर्म कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है सुनाता है ऐसे पाप लोग अगर पापाचारी भी हैं तो प्रेत नहीं बनते। प्रेम चोरी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम हरि ओम। चलिए थाम में चढ़ा दीजिए अने ना जल्दी जल्दी।